नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद। मंगल बाजार के व्यापारी अपनी पीड़ा को लेकर नगर निगम नगर आयुक्त से मिलने पहुंचे। दरअसल बता दें कि फिरोजाबाद में कोटला चुंगी चौराहे से लेकर जलेसर चौराहे तक फ्लाईओवर के नीचे साप्ताहिक मंगल बाजार लगाया जाता है, जहां पर अब नगर निगम द्वारा ऑटो स्टैंड बनाए जाने से सैकड़ों की तादाद में साप्ताहिक मंगल बाजार में दुकान लगाने वाले छोटे फल व्यापारियों की रोजी रोटी पर असर पड़ने लगा है। अपनी रोजी रोटी के लिए दूर दराज से मंगल के दिन फल लगाने वाले व्यापारी फिरोजाबाद में आकर इस मंगल बाजार में अपनी दुकानें लगाते हैं और अपनी दो वक्त की रोजी रोटी को कमाते हैं। बता दें कि ऑटो स्टैंड बनने से उन सभी छोटे व्यापारियों को वहां से हटा दिया गया, जिसकी शिकायत लेकर सभी फड़ व्यापारी नगर आयुक्त से मिलने नगर निगम पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपना दुख दर्द नगर आयुक्त के सामने व्यक्त किया। तो वहीं नगर आयुक्त ने सभी छोटे बड़े व्यापारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि आपके लिए कहीं दूसरी जगह व्यवस्था कर दी जाएगी, जहां पर आप अपने फड़ लगाकर अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। अनीता जी, यहाँ पे आज नगर निगम आई है, क्यों आई है नगर निगम? भैया दुकान हटा दी है, हम दुकान लगाते हैं, खिलौना बेचते हैं। कहाँ पर दुकान लगाती है? कोटला चुंगी पुल के नीचे। अच्छा, फिर यहाँ पर आकर क्या कुछ बात हुई आपके अधिकारी? अब ये लोग यही की बोल रहे हैं कि आप चलो, अभी आएगा हम लोग सब। ये कौन से बाजार की दुकान? मंगल बाजार की दुकान है लगती है? हाँ, मंगल बाजार की। क्यों हटा दीजिए अभी तक पूछा आपने? ये ऑटो स्टैंड बना दिया है वहाँ पे, जो कह रहे यहाँ किसी की दुकानें नहीं लगेंगी, ऑटो स्टैंड हो गया। तो इसका इंतजाम पहले उन्होंने नहीं किया, ऑटो स्टैंड बनाया था, मंगल बाजार कहाँ लगेगा? अरे हम लोगों का बताई ना इंतजाम किया, अब हम लोगों ने लगा ली तो पुलिस प्रशासन गई, बोली हटाओ यहाँ से भाभी, नहीं तो बल ले जाएंगे आपकी दुकान। तो हमने तो ये बोला आप बल ले जाओगे तो हमें भी ले चलो, हम रोटी कहाँ खाएंगे। अभी यहाँ पर अधिकारी से बात हुई आपकी? अभी तो वो ये बोल रहे हैं कि अंदर से के अभी तुम पहुँचो, हम लोग आ रहे हैंगे, कोई भेज रहे हैं किसी को, आपको कहीं बताएंगे ना। मेरा नाम है मोहम्मद जीशान। क्या हुआ है नगर निगम में, क्यों आए हुए हैं? ऐसा ना, हम लोग नगर निगम में इसलिए आए हैं कि कोलो चुंगी के बगल में ये ब्लॉक है, हम लोग वहाँ फड़ लगाते हैं, करीब 200 दुकानदार हैं और बिना सूचित किए हम लोगों को वहाँ से हटा दिया गया है। अच्छा, वहाँ पे जो टम्बू स्टैंड बना दिया है और टम्बू स्टैंड भी ऐसा बनाया गया कि वो वहाँ पे ग्राहक नहीं आ सके, दीवार लगा दी गई है। सुबह हम लोग गए थे असीर जी के पास, उन्होंने कहा था कि लग जाएगी, उसके बावजूद वहाँ पर हमारा काम नहीं हुआ, तो हम लोग नगर निगम आए हैं यहाँ पर। नगर निगम में अधिकारी से कोई बात हुई अभी तक? नगर निगम में बात हुई है, वो कह रहे हैं आप लोग देखो कहाँ लगाना है, जबकि किसी को हटाया जाता तो पहले उसको इतला दी जाती है। कुछ नहीं बताया गया और हमसे मैंने पूछा दीवार लगा दी गई है, हम लोग 200 दुकानदार इस वक्त बेरोजगार हैं, क्या करें? अभी बाजार लगाने कहाँ की कही गई है, कुछ कहा गया? ये कह रहे हैं आप लोग जगह देंगे हम लगवा देंगे। आप कहाँ जगह देंगे बताओ? कोई अपने घर में किसी बढ़ा सकता है? जो दुकानदार पुराने लगा रहे हैं, जो पुराने दुकानदार लगा रहे हैं, कह रहे हैं उनके बगल में लगा लो, कैसे कोई लगा लेगा? हम सब तो बेकार हो गए। इससे पहले जो मंगल बाजार लगता था वो शास्त्री मार्केट में ही लगता था? वो तो मैंने बाजार में लगता शास्त्री मार्केट में, ऐसा ना अब शास्त्री मार्केट हट के यहाँ पर आ गया। यहाँ हम लोग करीब शास्त्री मार्केट से बाजार हटाया गया था, तो उससे पहले बताया गया था कि बाजार मन लगा गया, इसलिए अब इस बार उन्होंने बाजार हटाया, तो बताया बाजार का लगा? बताया नहीं गया, ये बताया नहीं हम लोगों को। जगह बताई ना? जगह बताई कुछ नहीं बताया। हम लोग अपने घरों से आए, कोई शकोबा से, कोई आगरा से, कोई कहीं से, और सबके किराए भाड़े खर्च हुए हैं और कोई किसी को इत्तला नहीं है। हम लोग बहुत परेशान भर रहे हैं, हम लोग कहाँ दुकान लगाएं? हमारा नाम अजीत कुमार है, सिरसागंज से आता हूँ। है जी सर, मैं कोटला चुंगी पे दुकान लगाता है जी, मंगल बाजार में, तो वहाँ पर स्टैंड बन गया है ऑटो स्टैंड, जिससे कि हमारे सारी दुकानें जो भी हैं वो सब हटा दी गई हैं। 200 दुकान के आसपास हम लोग हैं और प्रशासन भी गए हैं, उन्होंने हटाया है, तो हम यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ अपनी बात रख रहे हैं, जहाँ बताएंगे जो फील्ड होगा सरकारी नगर निगम के, वहाँ लगवा दी जाए हम लोगों ने। अभी नगर निगम में आया, आप किसी अधिकारी से कोई बात हुई आपको? हाँ, वो बोल रहे हैं कि हो जाएगा, कहीं ना कहीं कराया जाएगा। किसने बोला है आपको? ये अभी एक साहब बैठे हैं अंदर, उन्होंने बोला था। कब तक का टाइम दिया, कुछ टाइम वगैरह दिया? टाइम अभी नहीं दिया, वो ये कह रहे हैं अभी ये कुछ स्टाफ जाएगा वहाँ से, जहाँ बताओगे आप वहाँ कर दिया जाएगा, बोल रहे हैं लोगों को।